हरियाणा के सोनीपत रिट्रीट सेंटर में बीके टीचर बहनों को शाश्वत योगी खेती का प्रशिक्षण देने के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम विकास सेवा प्रभाग के सहयोग से आयोजित रहा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के स्वागत सत्र में सांसद रमेश कौशिक, SDM राकेश संधु, रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट वीरेंद्र भारद्वाज, सोनीपत रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर बीके लक्ष्मी दीदी, ग्राम विकास सेवा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके तृप्ति, मुख्यालय संयोजक बीके सुमन, लखनऊ कृषि विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर बीके बद्री विशाल, प्रभाग के कार्यकारी सदस्य बाला साहेब रूगे, प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके विजय मुख्य रूप से उपस्थित रहे और कार्यक्रम की शुरुआत की। जैविक खेती जितना ज्यादा हम उसको प्रमोट करेंगे उतना ही ज्यादा जल्दी तरीके से बहुत सी बीमारियां अपने आप ही इस संसार से विदा हो जाएंगी। बहुत सी बीमारियों का कारण ही है एक रासायनिक खाना। हम जैविक खेती को, हमें किसानों की मदद भी करनी चाहिए, जो किसान उनको उगा रहे हैं हमें उनसे खरीदने में उनकी मदद करनी चाहिए, जिससे उनको भी एक प्रोत्साहन मिले। अन्न दाता तो माना किसान को, पर वो आज अन्न दे कैसा रहा वो आप सुन ही रहे हो कि अन्न की पैदाइश के तरीके उसने क्या अपना रखे हैं, जिसके कारण प्रसिद्ध है ना कि बीज को वो क्या दे रहा है खुराक, जिसको आम भाषा में कह देते हैं जहर। तो जहर वाला जो खाद मिलेगा तो उस बीज के अंदर क्या भरेगा, वही अवगुण भरेगा ना जहर का ही, और वो हम सब खा रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं, जीवन चला रहे हैं उसके आधार पे। तो हमारी जीवन क्या बन रही है सारे जानते हैं, जीवन में ही जहर भरा पड़ा है। आज की जो एग्रीकल्चर है वो कंपटीशन की एग्रीकल्चर है, किसान के पास कुछ नहीं बचता, वो फिर वो धान ही लगाएगा जहां से उसको ज्यादा फायदा होता है, उसमें पेस्टिसाइड डालेगा, वो अपना एक एक पैसा बचाने के लिए फिर उस पराली को जलाता भी है। मतलब आजकल चीजें हमारी इकोनॉमी से बेस्ड हो गई हैं, आध्यात्मिकता से दूर हो गए हैं हम। आध्यात्मिक जीवन में अन्न का बहुत बड़ा महत्व है और हमें चाहिए योग्य जीवन के लिए, योग्य अन्न को बचाने के लिए, उसी के लिए हम सबको प्रेरित कर रहे हैं। आप योग्युक्त जीवन जीते हुए अपने अन्न का पोषण करें, अन्न को उगाएं, अन्न को, अन्न का सात्विक महापरिवर्तन में साथ देवें, जिसके माध्यम से हमारे जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रभाग की अध्यक्षा बीके सरला दीदी, उपाध्यक्ष बीके राजू भाई भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े और बीके बहनों को अपनी प्रेरणाएं दी। शाश्वत योगी खेती के जानकारों ने खेती की इस नई प्रणाली की बारीकियों से बीके बहनों को अवगत कराया और प्रशिक्षण दिया। योगी खेती का ये जो ट्रेनिंग होने जा रहा है वो पूरे विश्व की सभी समस्याओं का समाधान जड़ सहित ठीक करने की एकमात्र औषधि ब्रह्मा कुमारी दे रही, जिसका नाम है राजयोग। राजयोग से आप ऐसे किसानों को तैयार करने जा रहे हो जो एक अच्छे डॉक्टर बनने जा रहे हैं, जिनके खेती का अनाज खाते ही शरीर की बीमारियां ठीक हो जाएगी। ये कृषि जो है अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, ये दर्शन शास्त्र का विषय है। दर्शन में क्या होता है, दर्शन में जो कुछ आप देख रहे हैं उसके बारे में सोचते हैं, ये पौधे किसके लिए हैं, ये पक्षी किसके लिए हैं, ये जल किसके लिए है, ये नदी किसके लिए है, हवा किसके लिए है, ये सब हमारे लिए है। लेकिन हम इनको क्या दे रहे हैं, हम इनको क्या दे रहे हैं, ये हमको लगातार दे रहे हैं, हम इनको बदले में क्या दे रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान सोनीपत क्रिकेट सेंटर में 50 से अधिक पौधों का वृक्षारोपण भी किया गया।